खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हाँ, बेल आइकन दबाना। हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में जांच के बाद अब धीरे धीरे पड़ते खुलने लगी हैं। इस मामले में यमुनानगर पुलिस की एसआईटी ने आज एक बार फिर से एमआरसी राजिंदर के रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश कर फिर से उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस ने राजिंदर से करीब कुछ पैसों की रिकवरी भी की है। एसआईटी के सदस्य और एसएचओ सिटी सुखबीर सिंह का कहना है कि इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अमित, जो कि सीआईए सिरसा में रिमांड पर था, उसे प्रोडक्शन वारंट पर एसआईटी यमुनानगर लेकर आएगी। अमित और एमआरसी राजिंदर से आमने सामने पूछताछ की जाएगी, जिससे इस केस की परतें खुलेंगी। एसआईटी इस मामले में गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ गाड़ियों को रिकवर करने का प्रयास भी कर रही है। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। अमर सिंह और इंद्र डांगी जो पहले से गिरफ्तार था, उसको दोबारा से 5 दिन के रिमांड पे लिया गया है। उससे पहले अपना उससे एमआरसी और इंद्र डांगी से कुछ पैसों की रिकवरी हुई है और कुछ फाइल्स जो इन्होंने पार्सल बनाई हुई थी और कार्ड रूम जाके खंगाले की हैं, उस कुछ फाइल्स मिली हैं और आगे भी इसको वहीं लेके जाकर रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें और जो बरामद करनी है। आई अपनी पुलिस टीम गई हुई है सिरसा अमित को लाने के लिए, और उसको अमित को ला के और अमित इसको और जिंदा डांगी को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। और जब आमने सामने पूछताछ की जाएगी, उससे बाद पता लगेगा भी क्या कुछ नया आता है। अरे